अरब सागर में उठती इन लहरों में जितना शोर है, इसकी गहराइयों में पसरा है उतना ही सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में दफन है न जाने कितने ही रहस्य। यह रहस्य है हजारों साल पहले समुद्र में डूबे एक शहर का। यह रहस्य है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का। समुद्र की गहराइयों में इतनी खूबसूरत, इतनी विशाल और इतनी भव्य नगरी को यदि कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, भव्य मंदिर और महल, एक पूरा वेल प्लान शहर जिसे देखकर लगता है मानो हम कोई फिल्म देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं समुद्र के 130 फीट की गहराई में, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी द्वारिका स्थित है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कई लोगों को द्वारिका और बेट द्वारिका में काफी कंफ्यूजन होता है। दरअसल द्वारिका को दो हिस्सों में बांटा जाता है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारिका गुजरात के जामनगर में समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। द्वारका शहर में ही विश्व प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश का मंदिर है, जिसे भगवान विष्णु के चार धामों में से एक माना जाता है। वहीं बेट द्वारिका गुजरात में समुद्र तट से 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच एक द्वीप है। सालों से यहाँ जहाजों द्वारा जाया जाता था, परंतु अब यह सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। यहाँ कई सालों पहले खुदाई में कई सारे अवशेष मिले थे जो महाभारत काल यानी द्वापर युग के थे। यहीं पर समुद्र के नीचे करीब 130 फीट की गहराई में खोजकर्ताओं को कुछ ऐसा नगर मिला था जिसे देखकर हर कोई हैरान था। समुद्र की गहराइयों में द्वारिका की खोज करने गए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक ऐसी भव्य नगरी दिखी जिसे देखकर लगा मानो वह कोई फिल्म देख रहे हो। उन्हें यहाँ पर करीब 3000 साल पुराने बर्तन, तांबे के सिक्के और एक ऐसा भव्य ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर मिला जो कि एक भव्य महल और उस नगरी के चारों ओर बने परकोटे के समान था। इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर का था। खोजकर्ताओं को जितनी जमीन पर नगर के परकोटे के अवशेष मिले थे, भगवत पुराण के अनुसार यह उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने के लिए दी थी। इस नगर के बीचों बीच एक महल स्थित था जिसके अवशेषों की कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि यह महल, द्वार, नगर का परकोटा जिन नक्काशीदार पत्थरों से बना है, यह पत्थर कई हजार साल पुराने है। लेकिन दोस्तों, आखिर हमें कैसे पता पड़ा कि यह नगरी द्वारिका नगरी है और इसे श्री कृष्ण ने बसाया था? और तो और, यह पानी में कैसे डूबी? तो चलिए आपको इस अद्भुत नगरी का रहस्य, इतिहास और हमारे पुराणों में वर्णित इसके डूबने की कथा को आपको विस्तार से बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री द्वारिकाधीश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 Fact YouTube चैनल पर। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार अपने मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। यह सब देखकर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर चले जाना सही समझा। भगवान श्री कृष्ण अब और युद्ध करके अपने परिवार और प्रजा को संकट में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा को छोड़ दिया और मथुरा से 1250 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर भी लगाना संभव नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। स्वयं नारायण का आदेश कौन टाल सकता था? तुरंत समुद्र देव ने प्रकट होकर
अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर की धरती प्रदान की। कुछ ही समय में इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। अपनी प्रजा और यादव वंश को द्वारिका में बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से अंतिम युद्ध किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा जरासंध का वध कर दिया गया था। इसके बाद श्री कृष्ण वापस द्वारिका पहुंचे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय की नहीं थी। समय के चक्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बंधे हुए थे। समय का पहिया घूमा और कुछ ही समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई इस खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार यह वह समय था जब पांडव महाभारत के युद्ध में विजय होते हैं और उनके हाथों सभी कौरवों का वध कर दिया जाता है। माता गंधारी ने जब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो वह यह दुख नहीं सह पाए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्हें इस बात का पहले से ही आभास था, इसलिए उन्होंने श्राप को आशीर्वाद के तौर पर लिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका धरती पर अपनी लीलाएं समाप्त कर अब वापस वैकुंठ धाम लौट जाने का समय है। कुछ वर्षों के बाद जब द्वारिका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ एक शरारत करने की सोची। फिर क्या था, साम ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बदला और साधु संतों के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे की मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यादव वंश को अब तक 2 श्राप लग चुके थे, पहला माता गांधारी का और दूसरा ऋषि मुनियों का। अब इन दोनों श्रापों के पूर्ण होने का समय था। थोड़े ही समय के बाद सांब के कपड़ों से एक लोहे का मुसल मिला। यह खबर मिलते ही पूरे यादव वंश में कोहराम मच गया। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने श्राप से बचने के लिए उस लोहे के मुसल के टुकड़े कर दिए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। उन्हें यह गलतफहमी थी कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी इन श्रापों को पूर्ण करना आवश्यक था। इस कारण जैसे ही उग्रसेन मुसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते हैं, वैसे ही उन्हें एक मछली निगल लेती है। इसके बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंसती है। जब उसे चीरा जाता है तो उनके पेट से उसी लोहे के मुसल के टुकड़े निकलते हैं। कहा जाता है कि एक शिकारी ने इस जहरीले मुसल के टुकड़ों से एक जहरीले तीर का निर्माण किया और इस तरह टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी यह लोहे का मुसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। अब 36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था जब माता गांधारी और ऋषि मुनियों के श्राप को सच होने का समय था। अपने अंत समय से अनजान पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया, भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। यह सब देखकर बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार है, उन्होंने भी इस धरती का त्याग कर दिया और वापस अपने धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें एक हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया।
यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था, और यह वही जहरीला तीर था जो उस लोहे के मुसल से बना था। जैसे ही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं पूर्ण कर वापस अपने वैकुंठ धाम लौट गए, और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश भी खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सब कुछ नष्ट हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। दोस्तों, यह नगरी इतने सालों के बाद भी आज भी अपनी भव्यता और अपने रहस्यों को संजोए हुए समुद्र के 130 फीट नीचे अपने अस्तित्व में होने का प्रमाण दे रही है। कई शोध हो चुके हैं, कई गणनाएं हो चुकी है, परंतु आज भी कई रहस्य है जो इन अवशेषों के नीचे दबे हुए हैं। अरब सागर के इस क्षेत्र में निरंतर खोज जारी है, और जल्द ही इसे पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। जल्द ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे कोई भी आम आदमी भी द्वारिका के समुद्र में पानी के नीचे जाकर इस अद्भुत द्वारिका नगरी के दर्शन कर सके। अगर आप भी द्वारिका में स्थित श्री द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसकी संपूर्ण जानकारी और इसके दर्शन हमने इस वीडियो में करवाए हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई कार्ड पर क्लिक करके भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए, जय श्री द्वारिकाधीश।